शर्ट नहीं पहननी चाहिए थी, नहीं तो शर्ट से ऐसे हो जाएगा। तो दोस्तों, प्रणव जोशी AKA जोशिंग अराउंड को अपनी पहली कोविड वैक्सीन लग चुकी है। तो वैसे तो पासपोर्ट लेके जाना था, क्योंकि सिर्फ मैंने वही वाली डिटेल डाल दी कि मैं अपना पासपोर्ट एज आइडेंटिटी प्रूफ दूंगा, और वापस लेकर आधार भी लेके जाऊँ, मैं बॉडी घूमा फोटो और सी जी एस कार्ड एंड सैनिटाइजर, क्योंकि वहाँ पे हॉस्पिटल है, पानी की बॉटल, अगर टाइम बहुत लेट आया तो प्यास लगेगी, बस द फूड भूख भी लग सकती है। डबल लेयर मास्क, बाल काफी बड़े हो चुके हैं भाई। इट्स ऑल रेडी फॉर द वैक्सीन। कतली भाई कतली, देखो वैसे ही जाने को कम मिलता है बाहर, अब जाने को मिल रहा है बाहर, तो अच्छे कपड़े पहन के भाई, भाई सब अच्छा दिख रहा है, देख रहे हो ये चीज़, देख रहे हो 5 मिनट में हो रहेगी, सुबह चलते हैं। 7470 स्लॉट बुक करा है, दिल्ली में तो मिल ही नहीं रहा था, दिल्ली में कहीं नहीं था, फिर मैंने नोएडा सर्च मारा, मैं कहीं नोएडा में मिल जाए, नोएडा भी नहीं मिला, तब जाके गुड़गांव में फोर्टिस हॉस्पिटल है यहाँ पे मिला, और एकदम से वहाँ पे 400 स्लॉट ओपन हो गए थे, तो मैंने वो बुक कर लिया, तो फाइनली बुक हो गया था। अब यहाँ से 45 मिनट्स का रास्ता है, तो दूर जाना पड़ रहा है, बट ठीक है, एटलीस्ट फर्स्ट डोज तो लग रही है, क्योंकि ऐसे आपको पता है कि आइलैंड में तो 2 डोज के बाद ही अलाउ कर रहे हैं वापस आने के लिए, तो मैं कहा यार कम से कम 1 डोज तो हो जाए। अकेले जा रहा है या किसी को साथ लेके जा रहा है, मैंने बोला कि यार अकेले ही जा रहा हूँ, तो कहता अकेले कैसे जाएगा, मुश्किल लगवा रहा है ये सब, तो मैं कहा यार मम्मी मैं आयरलैंड अकेले चला गया, मैं आयरलैंड अकेले रह के आया हूँ, मैं वहाँ से दुबई अकेले आया था, मैं दुबई से वापस आयरलैंड गया, तो मैं अगर वो कर सकता हूँ तो यहाँ से मैं गुड़गांव तो ज़रूर जा सकता हूँ। आपने लगवा ली भैया वैक्सीन? एक लगी है, एक डोज हो गई, पहले ही हो गई। थैंक यू भैया, दोनों मार देना। हाँ पक्का, ड्राइवर वाज रियली गुड, उसने बोला कि मैं आपको वापस दिल्ली ले जाऊंगा, क्योंकि उसे भी दिल्ली जाना ही था, तो उसका नंबर ले लिया है, तो अब अच्छा है, बुक नहीं करानी पड़ेगी, वेट नहीं करना पड़ेगा, उसे कोई कॉल कर लूँगा और उसी के साथ वापस दिल्ली चला जाऊँगा। वैसे अभी जब मैं गुड़गांव आ रहा था, तो गुड़गांव दिल्ली गुड़गांव का वो जो टोल वाला रास्ता होता है, तो मेरे को वो टोल वाला रास्ता आएगा, मैं आपको वो टोल वाला रास्ता दिखाऊंगा, बट वो टोल वाला रास्ता हट चुका है, तो टोल वाला रास्ता था नहीं, तो मेरे को वो मैं आयरलैंड का गया, टोल वाला रास्ता हटा दिया, क्यों देता हूँ मैं इतनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, हूँ क्यों देता हूँ, क्यों देता हूँ इतनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। सबको नंबर्स मिल रहे हैं, मेरा नंबर 121 है और अभी 70 चल रहा है, और उसके हिसाब से नंबर चल रहे हैं, बाकी ये 2 फॉर्म्स दिए हमने भरने को, इसमें सिर्फ फोर्टिस हॉस्पिटल के बारे में लिखना है, फिर मैंने यहाँ पे एक लाइन पढ़ी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई अंडरस्टैंड द वैक्सीन टू बी इफेक्टेड 2 डोजेस शुड बी टेकन एट 28 डेज ऑफ इंटरवल, 28 डेज यहाँ पे लिखा हुआ है, बट आई डोंट थिंक सो 28 डेज में सेकेंड वैक्सीन दे रहे हैं, एटलीस्ट 2 से 3 मंथ्स की वेटिंग बोल रहे हैं, सो आई नीड टू क्रॉस चेक ऑन दैट, बट अगर 1 महीने में दे रहे हैं एंड इट इज़ इफेक्टिव, तो इट इज़ वेल एंड गुड कि मेरी 2 वैक्सीन बहुत जल्दी हो जाएंगे। एंड वन मोर थिंग आई रियलाइज टुडे, जब भी घर से निकलो और ऐसी जगहों पे जाओ, पेन ज़रूर लेके आना, ये मेरा पेन नहीं है, मैंने यहाँ पे बोरो करा है, इसलिए भी मुझे हैंड सैनिटाइज करने पड़ेंगे फिर से, तो हमेशा अपना पेन साथ लेके आना गाइस। मतलब अपनी बारी आने वाली है, मैक्सिमम 10 से 15 मिनट और तो आ जाएगी। तो मैं क्या कह रहा था, जैसे आपने देखा मैं अपने 3 डॉक्यूमेंट्स लेके आया था, ID प्रूफ के, पासपोर्ट, CGHS कार्ड और आधार कार्ड, ऑल तो मैंने ऑनलाइन डाला था सिर्फ पासपोर्ट, लेकिन पापा कहते हैं कि आधार कार्ड लेके जा रहे हैं, मैं कह नहीं, कहते क्यों, मैं कह रहा क्योंकि मैंने पासपोर्ट डाला है, पर नहीं आधार कार्ड लेके जाओ, आधार कार्ड लेके जाना चाहिए, आधार कार्ड क्यों डाला, तो मुझे उस पर बहुत झाड़ पड़ी थी, तो मैंने आधार कार्ड रख लिया, और जब आधार कार्ड और पासपोर्ट दोनों रख लिया, तो पापा ने बोला कि CGHS रखा, मैं कहा वो भी लेके जाना है, कह रहा नहीं CGHS भी लेके जाना, तो मैं 3 ID प्रूफ लेके आया हूँ, कि अगर 1 ID प्रूफ से नहीं प्रूफ हो पाता कि मैं ही प्रणव हूँ, तो मैं कहा सर 3 और हैं, आप 3 चेक, 2 और हैं, पूरी सारी चेक करो, बट मैं ही हूँ वो प्रणव।
फर्स्ट डोज हो चुकी है और जैसे कि उन्होंने बोला कि मैं 28 डेज में सेकेंड डोज लगा सकता हूँ, तो अगर 28 डेज में लग जाएगी तो बहुत ही बढ़िया कि एक महीने में दूसरी डोज भी लग जाएगी। तो ये टैग सा मिल रखा है मुझे और यहाँ पे ऑब्जर्वेशन एरिया है, यहाँ पे बैठने के लिए वहाँ पे पीपी चेक होगा और सारी चीज़ें वहाँ पे चेक होंगी, वो सब नॉर्मल है उसके बाद ही जाने देंगे। बट इट वॉज़ अ वेरी बैड डे टू वेयर अ शर्ट, क्योंकि मुझे पूरी शर्ट ताजी पड़ रही थी इंजेक्शन लगाने के लिए। तो यार फर्स्ट कोविड इज़ डन, कोविड सर्टिफिकेट आ चुका है अपन का कोविड का, मोदी जी। पेन हुआ नहीं इतना, बच्चे में इतना कोई पेनफुल नहीं था पहले, बस वो ऑब्वियसली वो पॉइंट इन करते हैं, इंसर्ट करते हैं तो हल्का सा पेन होता है, लेकिन बहुत नॉर्मल था। आई डोंट थिंक सो ये बहुत ज़्यादा कुछ पेनफुल था। दोस्तों प्रणव जोशी AKA जोशिंग अराउंड को अपनी पहली कोविड वैक्सीन लग चुकी है और एज सेट बाय दैट अगले 28 दिन में लगा सकता हूँ, तो मतलब आयरलैंड भी मैं जल्दी आ सकता हूँ। गर्मी है भाई, गर्मी तो है। BP देखा जाएगा तो अपन का BP 140 और 90 शायद से थोड़ा BP ज़्यादा है शायद, पर वैसे नॉर्मल होता है इतना तो। अर्बन क्लैब प्लीज़, इफ़ यू कैन सी इतने ज़्यादा बाल हो रहे हैं तो अपनी हेयर ड्रेसिंग वाली सर्विस खोलिए, क्योंकि मुझे बाल कटवाने हैं और यहाँ पे लॉकडाउन ख़त्म नहीं हो रहा, मेरे बाल बड़े हुए जा रहे हैं, मुझे संभालना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। चलो कैब वाले भैया को पहले मिलता हूँ फिर घर चलते हैं। सर फॉर दिस वीडियो गाइस, पेन इतना था नहीं मुझे और अब बाकी देखते हैं कि लोग कहते हैं 2 दिन में बुखार आता है, पेन होता है, तो कैसा होगा वो भी मैं शेयर करूँगा। तो चल देन वीडियो गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट।